राम राम भैया सारी बाणा ने। उम्मीद करूँ कि सारी बाण ठीक ठाक होंगी और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो भैया आ ली हूँ मैं आज घर तक और वे आण के मतलब बड़ी बाण आ रही थी तो दिमाग पता फिर गया, आण की क्लिप ही नहीं ले पाई मैं, मतलब ब्लॉग ही नहीं बना पाई। वो क्या कर ना भैया आण का तक जैसा हो रहा था क्योंकि उधर तक भाई तक जला रहा था, तुमने बिठाया हूँ और नुन तेज आन लग रहे थे साफ ली थी लेन कि जल्दी आ जाए मैं आ ली हूँ, तो उस चक्कर में मैं वीडियो ही बनाना भूल गई। तो भाई छोटी सी क्लिप ले रखी है आते की गाड़ी में बैठे थे तो वो तुमने लास्ट में दिखने मिल जाएगी, वो मैं लगा दूंगी। ये तुमने मैं दिखा दी भाई मैं केक के लूट लिया ही रक्षाबंधन पे। अरे कब गई थी मैं, गई थी अप्रैल में क्यों मार्च में गई थी होली के पे गई थी उधर पर। और इवकेन मेरा जल्दी अराउंड लग गया, उसके बीच में मैं एक बार मिलन भी चली गई थी तो इवकेन और भी जल्दी चली गई तो क्योंकि मम्मी बुलाव थी तो मैं चली गई। तो भी तुमने दिखा दो, ज़्यादा धार थी वेट नहीं कराऊंगी मैं, केक के लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले दिखाऊंगी मैं तुमने अपने बच्चों के कपड़े, प्रॉपर खोल कर नहीं दिखाऊंगी वे, वैसे ही दिखाऊंगी क्योंकि फिर मेरी गुड़िया ने कदे पुराने कर देते हो आप हमारे कपड़ों को। भाई एजल का बर्थडे है 9 सितंबर का तो उसके अकॉर्डिंग ड्रेस लेकर आई हूँ मैं एजल की कि वो अपने बर्थडे पर पहन ले क्योंकि फिर भाई मतलब बच्चा की ड्रेस भी जल्दी छोटी हो जाए। भाई इसकी तीन किता आवे भी बहुत है, बहुत गणी आ दोनों बाणा की गणी गड़े ड्रेस लिया हूँ मैं इनकी। नहीं देखो हाँ भाई आने से कभी क्लियर आ गया था एकदम तो मेरा ना भाई के दिक्कत आ रही है फ्रंट कैमरे में, एक बार फ़ोन भी चेक करवा के लेना पड़ेगा, मैंने दिखा करूँगी फोन में के प्रॉब्लम आ रही है। और भाई छुटकी की भी सेम है बस कलर कलर अलग है इन दोनों का, या तो भाई मानती नहीं या जिद कर ले है तो या पहन के आई थी इस ड्रेस में, बोली मम्मी मैं पहन के आऊँगी पहन के चलूँगी तो फिर दिखा दी थोड़ी सी झलक इनके ड्रेस की क्योंकि फिर एजल कर रही हो जाएगी मेरी कॉपी कर लेगा कोई तो कॉपी भाई कोई नहीं करता आजकल, तो कॉपी का ऐसा सिस्टम हो रहा है इंस्टाग्राम पे, मतलब सारे सूट पट्टे हैं वे भी मारे जिसे ना पहरेगी तो दूसरी बाण पहन लेगी, दूसरी ना पहरेगी तीसरी बाण पहन लेगी वो सूट ने, लेकिन हर सूट इंस्टाग्राम पर तुमने देखना है और यूट्यूब पर शॉर्टम देखना तुमने मिल जाएगा कि चेक की तरह का। आज वो चीज़ नहीं रह रही भैया, तुमने एक चीज़ बता दूँ कई सूट का रेट के होगा क्योंकि कितने कितना कितना 50 रुपये कम कितना ज़्यादा नहीं हुआ मिल जाएगा पर रेट का सब नबे रहो के रेट है। तो एक तुमने मैं दिखा दूँ अपने सूट है, मैं कितने सूट ले आई तुमने पहला तेरे दिखा दूँ, 1 2 3 और देखे देख खेली मैं प्रेरण इधर आई तब दस सबसे पहला दिखा दो तुमने बटे होगी पैंट शर्ट या वे थेली मैं तो कल लिखड़ गई मरते पोली बैग में थी तो भाई सारी आना छमे ओढ़नी होया करे का दी बेनू तो न्यून भी चले जा करे तो कपड़ा बहुत अच्छा है पेंट का शर्ट का चाहे तो सिलवा भी ले पर वो सिलवाया ना करे सीधे सिलाई लेकर आया करें। तो दूसरा सूट भाई मैं लेकर आई हूँ ये वाला, ये देखो भाई बहुत सुतरा मसलिन का कपड़ा है और मसलिन का नहीं क्या नोक ने रसी ब्रांड का सूट है भाई, जाम प्योर जाम सिल्क ये देख लो। तो भाई इसकी चुन्नी है प्योर की, खोल कर दिखा दी तुमने कति प्योर की चुन्नी है भाई इसकी। मैंने ये सूट भी देखते तो क्या अगर एक बार दुकान में जाने के बाद एक बार जो चीज़ चाहिए वो देखते एकदम तो आँखा ना पा जाओ वह चीज़ थी भाई। और मैं लेकर भी तकरीबन वाई आया करूँ कि जो मेरे देखते पसंद आ जाए और ना तो ज़बरदस्ती फिर मेरे तक कोई सूट ना लिया जा करें कि वो मेरा देखते पसंद आ गया था। और भाई एक ही वो सूट ले गई थी मैं याद करूँ तब तक फिर मम्मी ने इसके पैसे दे दिए थे ऐसे भाई ले जा, मगर मैंने सूट कड़ा पसंद आ रहा था मतलब वीडियोस देखी थी उस सूट की मैंने, फिर मैंने कपड़ा देखा ना और पैटर्न देखा अच्छे से तो फिर मेरे को अच्छा लगा तो फिर मैं वो ले आई थी या फिर तक से लेकर आई थी। और भाई ये सूट में डिजाइन भी अलग आ रहे हैं कई चीज़ आ रही है, ये भी सूट भी बहुत प्यारा है इसकी चुन्नी ओरिजिनल मिरर और नलके वर्क का इसमें पूरे में काम है मैंने बहुत अच्छा लगा, हैंडवर्क का सूट है पूरा और रेट भी भाई बिल्कुल जायज़ रेट का सूट का करें जायज़ रेट का सूट है ये पति नहीं बताऊँ तुमने पति जायज़ का न्यू नहीं है भाई गाढ़ा महंगा है कि भाई हम नहीं खरीद सकते नहीं बहुत जायज़ रेट का सूट है
तो जो भी बनना करिए वो सूट च ही है, तो भाई मैं तो कॉन्टैक्ट कर लियो, नंबर दे दूँगी तब ना नीचे या फिर मेरी शॉर्ट ऐप दिखा रही हो नंबर, तो तुम्हें मिल जाएगा। और भाई एक नया कपड़ा ही चल रहा है बिल्कुल पतला सा, ये कृपाली ब्रांड का सूट रहेगा भाई, ये देखो तुमने कल वाली वीडियो में देखा होगा फ्रंट में, मैं ले बैठी थोड़ी दुकान में तो मैंने क्लिप बना रखी खुले उड़ा की भी, तो ये मैं खोल कर बैठूँगी तो घना टाइम लग जाएगा और एक बार सिलने भी दिखाने हैं। तो भाई ये मैं सोच रही हूँ कि खुल जाती तो, या प्योर की चुन्नी है, चुन्नी में पूरा काम है देखो, ये देखो बहुत ही प्यारा काम है पूरी में, प्योर की चुन्नी है। और भाई रियोन ओरिजिनल रियोन जो था ना हैवी वाली रियोन का, या मतलब सलवार इस पर, और भाई ये अपनी शर्ट रहेगी थोड़ी पास से दिखा दो तुमने दिख जाएगी, वो ये बॉर्डर नीचे सूट पे है वो ही उस पर है। रेट भी भाई इनके भी जायज रेट थे, यूँ नहीं गणे महंगे हैं, मतलब 2000 थे नीचे नीचे के सूट हैं सारे, तो तुम देख लो भाई। तो जो सी बांडा कर तुमने यो भी सूट पसंद आया हो ये वाला भी, तो अवेलेबल करवा दूंगी मैं सारे सूटा ने कौन सा भी चाहिए। तो भाई ये तो लेकर आई थी मैं बाहर तय जैसे कि खरगोदा से, और एक तुमने मैं दिखा दूँ जो मैं घर पर लेकर आई भाई, थोड़े बहुत उसे सूट भी होने चाहिए दोनों के ग्राफ उनके आ जाए, पर वह भी अच्छे हैं भाई, मैंने उन्हें कहती तो एक बार ला कर दिखा दूँ तुमने, वह भी खेली खा लाऊँ, ये क्या हो गए एक दो तीन तो ये हो गए, और मेरे ख्याल में दो तीन और हैं वह एक बार उठा लाऊँ भाई, तो वीडियो ने मैं बीच में एक बार यह थैली और मैं उठा लाई भी तुमने दिखा दी इसके और सूट है। ये देखो भाई इसका भी कपड़ा बहुत अच्छा सूट का, मतलब प्रॉपर सूट दिखाई नहीं दे रहा होगा, कपड़ा बहुत अच्छा भाई, प्योर की इस पर चुन्नी है, और मतलब क्यों करे पैर हो इसने क्यों करे उसने धो लो मशीन में, इस टाइप का कपड़ा है, मैंने ये भी अच्छा लग गया। इसमें सिक्वेंस सितारे का गोल्डन गोल्डन सा पीच पीच से कलर का सूट है ये, अच्छा ये भी भाई जी करा सिला लो जी करा अपना बरत लो। एक यो है भाई ये घर तक लेकर आई थी मैं, मैंने कहा अगर भाई जिस तरह पांच बेटी होगा सारे भारत के ऊपर लिया देवेगी, और जिसमें हमें दो बाण थे रक्षा पजा राखी पजा रहे थे, फिर एक बेबे बड्डी पीछे तब मिलने आ गई थी, बोली मेरा भी जी करा, वो कई दिन की कह रही थी मैं जाऊँ, वो बहुत पहला की लग गई थी और वह वैसे सिले कड़ा ना करें, फिर उसके यूँ होगी कि ये आ रही हैं वो तो फिर एक लिखा जी भी नहीं लग गए मेरा मेरे साथ मम्मी है मेरे तो उसी मैंने गाली भी दे के अड़ लड़ जा तू, पर मेरा ना अड़िया कि सबर साहब मतलब हाँ जैसे कि बस रिलैक्स अपना घर बेरा में क्यों थोड़ा सा मतलब जावा है न्यू नहीं भाई बढ़िया डाला रहा है सारा खाना पीना अच्छा सब कुछ अच्छा हो, लेकिन फिर भी ना मतलब ये हो रहा है अपना घर जाना है, पता नहीं कौन सी फीलिंग है, पहला मम्मी गीत सुना करते ना मम्मी कहा करती कि ए हम ना जाते हम तो अपने अपने घर रहेंगे हमने ना जाने कितने भी, तो ये वह चीज़ मारी गल हो रही है, तो मैं उन्होंने कहा करती मैं कहाँ ऐसा थोड़ी ना होता है कि अपने घर जानना जी ना करें, तो भाई सच में वो टाइम आ गया कि उन्हें जी करता जानना यूँ हो जाए ना की करिए अंड के, तो फिर उन्हें किसा टाइम आ गया समझ में ना आती, तो भाई सूट तुमने किसे लागे, और भाई वीडियो तुमने पसंद आवे तो लाइक शेयर कमेंट कमेंट ना करो तो शेयर जरूर कर दिया करो, क्योंकि तुम्हारे एक शेयर से मैं अमीर नहीं बनने वाली, ठीक है पर कोशिश कर लिया करो मैंने अमीर बनाने की, ठीक है। और भी तुमने वीडियो किसी लाग रही है मैं कोशिश कर रही हूँ कंटिन्यू व्लॉग करने की, थरती दिखा दी आज भी मैंने अपना कलेक्शन तो अपनी तीर किसी तीर लेकर आई मैं रक्षाबंधन पर केक के लूट के लाई पैसा क्या था भाई, फिर न्यू है कि थरती रुपये भी बताऊँ कि कितने लाई थी घड़े लाई थी, तो भाई देखो वो तो बेटियाँ का दी बेटी का मान सम्मान होगा भाई, जो भी बांधा राखी चाहे वाई बात है ब्योत में चाहे 10 रुपये वो भी दिया जाए अगर यार भी इन्हू कहा कई बखा कर ना अपना हाथी लाख का बिना खरीदा जा, कई बार खाक का हो जब बिना लिया जा लाख का होता भी लिया जा, तो भगवान के साथ सही काम चल रहा है भाई, घर क्या का अपना पेंट का और वाटिका का काम है, अरे भाई छोटी सी उम्र में छोरे ने हमारे ना कमाना सीख लिया था, क्योंकि हमारे पुनतम ने बेरा मेरे पापा नहीं थे, तो भाई जिस तरह काम उसने संभाला है
दोनों भाइयों ने बहुत अच्छे से संभाल रखा है। तुम तेनों कहा भाई दिन का दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो भाई, मैंने अपने काम ने संभाला इनू अगर लद्दा बद्दा, क्योंकि भाई देखो मैं तो जब भी जाऊँ तुमने दिखाया भी करूँ। मैं पहला भी इनू थी यूँ नहीं था कि भाई मैं कदे मैं कदे भी यूँ नहीं था कि माट तो पैसे लेकर कई जनी करा करा ससुराल तार पे लेगी मैं क्या की बड़ाई कर दी ससुनण तक ना 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 अपनी कदे या बड़ाई हुई नहीं भाई। मैं अपने चे मेरी मम्मी तो मैंने कहा कि जे एक सूट दे दे मम्मी अपना पैर, मेरी मम्मी भी अपने आप पे कहा कर चे भाई दो ले जा बेटी अपने संभाल के ले जा, क्योंकि दरने तक दरक करना के है अगना तैया ये संदूक भरी जे का दिल लुगाई लियाओ गिरधह मारोगी संदूक में लियाओ गिरधह मारोगी संदूक में पाँच सौ के चार सौ के खरीद लियाओगी। अरे उनका करना के है आगत सब ने बेरा भाई मारे बाड़क नहीं लेकर जाओ इन चीज़ा ने वह गिणती करके करना के है। इस तबड़ी आओ न चे गहरा तीड़ दे दो पर वह सुथरी दे दो क्षमा सुमू कर वो तीड़ा ने कट्ठी करके और क्यावन कर दी 101 कर दी तीड़ तो वो गिणती का करना के है मरिया बात समझ में नहीं आती। और भाई टाइम बताओगा जब हमारे भी बड़का का ब्याह का टाइम आओगा इबत भाई मन ये चीज़ कती बेकूफ़ी लग गया है कि उन्होंने जोड़ना सूट सट्टा का, क्योंकि जब मैं प्रेगनेंट थी तब नाज बताऊंगी एक चीज़। मैं प्रेगनेंट थी जब भी मैंने किससे का भी अपने संदूक के सूट नहीं बांधे थे नुके नु पड़े थे मेरी संदूक में जो मम्मी ने दूसर में दिए थे वो गिनती पूरी करी थी। तो उनका के था जब मैंने अपनी दीदी तक कह दी थी मैं कह इन मत भी बांध लियो पाँच पाँच वो जिस मजाक में था दीदी ले भी गए थे यूँ नहीं था नहीं, लेकिन तकरीबन कपड़ा मैं अपना सारा भारत लेकर आई थी मैंने किसी का बाड़क नहीं छोड़ा बांधे बिना, क्योंकि भाई मेरी सास नहीं थी तो भाई मैंने अपने सारे फर्ज पूरे करने थे। और भाई मेरी जो बेटी हुई थी भाई मैंने बहुत खुशी थी कि हाँ मुझे तो बेटी हुई है। अरे मेरे पास दो बेटी मैंने इस चीज़ का कदे वो यूँ नहीं है कि क्यों है कि भाई मेरे लिए वही लड़के हैं मैं, क्योंकि और बच्चा मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता और भाई और भगवान की देन है मैं नुकागर करनी ना नुकर भी ना करनी चाहिए और गणा भी ना करना चाहिए। तो भाई सब कुछ टाइम के अकॉर्डिंग मैंने अपना छोड़ रखा है, अभी जो होगा वो मंजूरे खुद भगवान होगा खुदा होगा। तो अब जो भी है वो सही चल रहा है भाई। तो उस टाइम पे भी मैं मैंने सबके बच्चे के भी कपड़े सबके बड्डे के भी कपड़े मेरी जितनी असनाई मेरे घर तक आई थी ना सबके बांधे थे सबके, किसी का यूँ नहीं था कोई यूँ कह दे मेरे बच्चे के नहीं आए या मेरा सूट नहीं आया। पीछे किसी की कवारी बेटी थी ना उसका भी सूट कती अंडी पैरण का सूट दिया था मैंने, क्योंकि उस टाइम मैं जॉब करा करती अरे भैया अपना ड्यूटी बताती चारा का सेट ठा लाई पसंद आ गया आठ का अठा का सेट अठा का ठा लाई। तो उस टाइम पर तुमने मैं बता दूँ पूरा मैं 35,000 का लत्ता ले कर आई थी 35,000 का लत्ता थोड़ा ना होता बहुत हो जाए, और मेरा वो जो 35,000 का कपड़ा था ना सारा मेरी संदूक में कोई सूट नहीं बचा था सारे चले गए थे। और जिसमें मेरे दूसर के भी सूट थे मेरी मम्मी ने मेरे दूसर के 21 सूट कर रखे थे दोनों लड़कियों ने, मैं मेरी मम्मी ने 21 सूट भेजे थे तो इवनू सोच लो 21 सूट वह भी मेरे चले गए थे। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है ये मैं अड़े थरती डिटेल बताने लगी ना तो बहुत बड़ी हो जाए तो मैं फिर मैं बोलने लगी थी जरूर क्या ना करूँ। तो भाई उम्मीद करो तुमने वीडियो पसंद आई होगी मेरे सूट पसंद आए होंगे। तो फिर राम राम।